ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमरावती से, वहां एक और आदमी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में यह कहा गया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अमरावती पुलिस के पास नुपुर शर्मा के समर्थन में धमकी मिलने की अब तक ये चौथी शिकायत दर्ज कराई गई है। वहां की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को भी इस मामले में धमकियां मिल रही हैं वो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। दिवाकर सिंह हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या पता चल रहा है इसके बारे में? किशोर, अमरावती पुलिस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एक शख्स ने आज उन्हें अप्रोच किया है और कहा है कि उन्होंने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, इसलिए उन्हें भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि जो ये शख्स कौन है, कब कंप्लेन किया है, इसकी जानकारी पुलिस नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस उनका नाम अब गोपनीय रखना चाह रही है। इसके पहले जो 3 शिकायतें पुलिस को मिली थी उसमें भी साफ तौर पर नाम सामने आए थे, जिससे वो लोग डर गए थे, दहशत में जी रहे थे। और ऐसे में पुलिस ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए लोगों से अपील की है कि जिन्हें भी धमकियां आ रही हैं वो लोग पुलिस को अप्रोच करें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से धमकियां आ रही हैं उससे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है किशोर, क्योंकि लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से उमेश कोल्हे का मर्डर हुआ है, इसके कई सारे सवाल अमरावती पुलिस पर पहले से है। शुक्रिया दिवाकर आपका।